अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आज मैं नई एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रही हूँ, एक्सरसाइज 5.3, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखें। इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स, नाउ क्लासीफाई दीज ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। सबसे पहले आपको ये साइड्स मेजर करनी है। ट्राइंगल्स की तीन साइड्स होती हैं, आपके तीनों साइड्स मेजर करनी है, और मेजर करने के बाद जो हमने इनका क्लासिफिकेशन देखा था अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, मीन्स स्केलिन ट्राइंगल हैं या फिर आइसोसेलिस ट्राइंगल हैं। स्केलिन मीन्स तीनों साइड अनइक्वल हैं, आइसोसेलिस मीन्स दो साइड्स इक्वल हैं, एंड इक्विलेटरल मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो आपको ये सारी साइड्स आपको मेजर करनी है इनकी विद द हेल्प ऑफ स्केल, और उसके बाद इनको क्लासीफाई करके लिखना है कि ये कौन से ट्राइंगल्स हैं, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में, इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल्स, आपको इन ट्राइंगल्स के एंगल्स को मेजर करना है। ये सारे एंगल्स मेजर करेंगे आप, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको मेजर करना बता दिया है कि किस तरीके से आपको मेजर करना है। प्रोट्रैक्टर से आप इन्हें मेजर करिए, एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स उनको आपने क्लासीफाई करना है। एंगल्स के अकॉर्डिंग हमने कैसे क्लासीफाई किया था कि अगर तीनों एंगल्स एक्यूट हैं लेस देन 90 डिग्री, तो ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल होगा। अगर एक ट्राइंगल एक एंगल इसमें राइट एंगल है, तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और अगर तीनों में से एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, देन इट विल बी एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके मेजरमेंट पर बेस्ड हैं, ये आपको स्केल से मेजरमेंट करना है और ये आपको प्रोट्रैक्टर से मेजरमेंट करना है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मीनिंगफुल, ठीक है। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप करने हैं पूरे। अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, 3 वर्टाइसेस एंड 3 ट्राइंगल्स। आपको मालूम है हमने ट्राइंगल देखा था तो उसके 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 ही साइड्स होती हैं,